गाइस, आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स के शोज और मूवी के कुछ कुछ सीन्स, लेकिन एक ही पॉइंट तक देखेंगे, उसके आगे की स्टोरी हम खुद क्रैक करने की कोशिश करेंगे। जो करेक्ट हुआ उसको पॉइंट मिलेगा। और ऑल्सो ये सारी ऐसी मूवीज हैं जो हम दोनों ने नहीं देखी, या एटलीस्ट हम दोनों में से एक पर्सन ने नहीं देखी है मूवी। तो लेट्स सी, क्या हम सही स्टोरी गेस कर पाते हैं या हमारी थियोरीज एकदम ही बेकार निकलते हैं। कोई तो बेवड़ी हो के आ रहा है। भाई हाथ टूटा हुआ है, इसको कुछ लगा हुआ है, इसलिए से हाथ टूटा हुआ है। आंटी पे बैठ गया। ओके, क्लियरली थोड़ा पिया हुआ भी होगा, क्योंकि वरना ऐसे थोड़ी। हाँ, आंटी को आ रही है, बू आ रही है, पिया हुआ है। शराब पिए हुए लोगों को बस में चढ़ने ही क्यों देते? तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं कहते? ये तो वो इंस्टा कमेंट जैसा हो गया, इसके इसका बाप इसको मारता नहीं है। मेरी औलाद होती ना तो मैं उसका मार मार के कचूमर निकाल देती, उसके अकल ठिकाने लगा देती। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? कभी औरत नहीं देखी क्या? हाँ, ओके, कभी औरत नहीं देखी क्या? आंटी ने बोला और आंटी चिल्लाए जा रही है, बंदा अब घूम चुका है उधर। अभी तुझे कोई आंटी ऐसे डांटेगी कि तू मेरा बेटा होता ना तो मैं तो तुझे कूट के रख देती, तो तू क्या कमबैक दे कि तू बस चुपचाप सॉरी आंटी बोल। मैं सॉरी आंटी बोल के साइड वाले उसे बैठ जाता भाई, मैं खड़े होके जाता, खड़े होके कि भाई कोई और बैठ लो, यहाँ किसी को बैठा देता, भाई तू बात कर इनसे। मेरी थियोरी ये है कि वो इतना दारू पी चुका है कि वो उल्टी कर देगा सीधा आंटी पे। तेरी क्या थियोरी? ये अच्छी थियोरी है भाई, ये अच्छी। क्या मस्त होगा ना, आंटी गाली दे रही है धीरे धीरे धीरे, आंटी का पर्स लेके भाग जाएगा या आंटी की विग निकाल के भाग जाएगा। विग? अरे बुड्ढी है यार। ठीक है, एक गैस तेरा फाइनल कर, मेरा गैस मुझे उल्टी कर। मुझे लग रहा है आंटी की दवाई लेके भाग जाएगा ये। प्ले करे, लॉक किया जाए आंसर। आंटी का अस्थमा का स्प्रे लेके भाग रहे हैं। क्या खा लिया? कागज मैडम, टिकट। इसने खा लिया क्या? इसने खा लिया। ये नहीं सोचा जा सकता। नेक्स्ट सीन है डैमसल से। मैं सुना भी नहीं हूँ इस मूवी के बारे में, कोई आइडिया नहीं है क्या है। खून की लकीरें जुड़ने से तुम दोनों एक हो गए हो। खून की लकीरें जुड़ने से अब इसका खून भी शाही है हमारी तरह। अरे तो वो है 7-11 कोई भी नंबर बोल रहे हैं कि 11 है भाई। सिक्के को फेंक दो इस खाई में। सिक्के को? कौन सा सिक्का है भाई? हमारी रस्म पूरी हो चुकी है, आप दोनों लौट सकते हैं। हमें आपको गोद में उठाना होगा। मैं अपने आप जा सकती हूँ सच में। आंखें बंद कीजिए, भरोसा रखिए। भरोसा रखिए भाई, तेरी शक्ल पे दिख रहा है कितनी भारी है वो। एक सेकंड, मुझे क्यों लग रहा है कि वो उसको उसमें फेंकने वाला है? मुझे क्यों लग रहा है कि वो उसको उस कुएं में फेंकने वाला है? अबे कुएं खाए में सिक्का फेंकना था? हाँ, ओह शिट, इसके आगे देख ही नहीं सकते अभी। मैं तो बोल रही हूँ, मुझे उसके चेहरे से लग रहा है कि वो उसको फेंकने वाला है खाए में सिक्के की तरह। मुझे लग रहा है उसके पैर दर्द जवाब दे देंगे कि भाई तू बहुत भारी है, उसको उतार के बोलेगा खुद चल, या बोलेगा माय टर्न, मुझे उठा गोद में। मुझे लग रहा है पीछे बुड्ढी आंटी आके स्लाइड टैकल मारेगी, इनको दोनों गिर जाएंगे खाई में। ये मेरी थियरी है भाई, मेरी थियरी है। ठीक है भाई, मेरी थियरी है कि वो लड़की को खाई में फेंकेगा, और इसकी थियरी है कि वो लाल ड्रेस वाली आंटी इन दोनों को स्लाइड टैकल मारेगी फुटबॉल वाला, और ये दोनों खाई में जाके गिर जाएंगे। लेट्स सी कौन सही है। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, वो उसको फेंकने वाला है। नहीं 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 नहीं, I think मैं जीतने वाला हूँ। ये तूने देखी भी है, ये तूने देखी भी है यार। ये शो के राइटर्स क्रिएटिव नहीं मेरे जितने ना, उनको दिमाग उस लड़के के मुंह पे ही दिख रहा था। तो अगली मूवी है लाइफ इन अ मेट्रो, जो बहुत साल पहले आई थी, अभी आती तो वो दिल्ली मेट्रो पे बेस्ड होती, जहाँ लोग तो हम दोनों के लिए ये मूवी का सीन फर्स्ट टाइम है। मोटी, मोटी। अरे शादी के अंदर वाइट कपड़े पहन के आई हो? सुनो ना, डांस करो ना। मुझे तुमसे डांस करो, गाना चेंज करवाऊं? नहीं मोटी, प्लीज मोटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सुनो ना मोटी। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ।
कर। मुझे लग रहा है ये लड़की की बात सुन के घोड़ा ही पगला जाएगा। घूंघट लगा के कोई लड़की बैठी है, लास्ट तक नहीं बताते कौन है, फिर जब रिवील होते हैं तो ओ, इसकी शादी तो इससे हो चुकी है। मुझे तो लग रहा है ये इरफान खान यहाँ पे बोलेंगे, भाई बहुत जल्दी बता दिया तूने, गुस्से में घोड़ा चढ़ा देंगे इस पे। लास्ट मिनट कैंसिलेशन शादी का होता है कि नहीं, लेट्स सी। थैंक यू, इवन आई लाइक यू। नो स्टूपिड, आई मीन आई लव यू। हां, मैं तुझसे प्यार करती हूं मोटी। चुप बोल। म्यूजिक रुक गया, मैं सुन लिया क्या बैंड बाजा वालों ने? नहीं, अभी वो उसको रियलाइज। अच्छा, हो उसके रहा मन में म्यूजिक बंद हो गया है, वो सोच रहा है कुछ। अच्छा, इसके थियरी राइट हो गए, घोड़ा चढ़ा दे इस पे, घोड़ा विली मार दे। लेकिन पेटीकोट ब्लाउज तो सब उसके नाम का सिल गया, इतना लेट क्यों बोल रही हो तुम? तुम भाड़ में जाओ। इसको पेटीकोट और ब्लाउज। ऑटो, चली गई ऑटो। लापता लेडीज का सीन है नेक्स्ट, हमने अभी तक नहीं देखा। घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। घूंघट उठा लो बेटा, सब घर वाले ही। क्या हुआ? घूंघट हटाओ फूल। तो हमें बेसिकली कैस्केड ना उठाएगी कि नहीं, और उठाएगी तो कुछ और तो नहीं निकलेगा। कुछ दिख रहा नहीं है तुझे शैडो में से, चीटिंग करते है ना, देखना किसका फेस दिख रहा है, थोड़ा सा पतली चादर में से थोड़ा कुछ चिकनी सी शक्ल दिख रही है मुझे। तो लड़की ही है, ये तो नहीं है कि उठाएंगे और बॉय निकलेगा, लड़की ही दिख रही है हमको तो पर्दे में से। सब बोलेंगे ओ माय गॉड, छी ये कौन आ गई। मैं कह रही हूँ कि सस्पेंस है ही नहीं, वो उठा देगी और फिर सब बोलेंगे वाओ सो प्रिटी और हैप्पी फैमिली हो जाएगा और नेटफ्लिक्स हमें। तू बोल रही है कि स्कैम कर रहा है या फिर वो घूंघट उठाएगी? तब बोल देना फिर, प्रेडिक्शन क्या है? हाय, हाँ, इतना गुस्से से क्यों देख रहा है? देखो देखो भाई, इतने ट्रॉमेटाइज क्यों है? सुंदर तो है। ये कौन है रे? ये कौन है? तुम कौन? हम ट्रेन में। क्या? अबे किसी और को ही ले आया। अबे ट्रेन में किसी रैंडम लड़की को ट्रेन से जगह के लिए। और लड़की आ भी गई। चाची बदली हो गई। तो वो चाची असली वाली चाची ट्रेन में सो रही है, वो पहुंच गई लास्ट स्टेशन चर्च गेट। हो गया भाई, पर मेरी प्रेडिक्शन इस पर राइट वे। मैं बोला था कि सब बोलेंगे भाई ची हटाओ ये कौन है, सबने थाली वाली गिरा दी। अब नेक्स्ट सीन है फ्रॉम द शो नेवर हैव आई एवर, जिसमें इंडियन लड़की है और मैंने इसीलिए ये शो देखा हुआ है, तो तुझे गेस करना है। Just thought you should know that we're dating the same person. I don't think so, man. I can explain. But the explanation might sound a lot like what Ben said. Technically, yeah, I'm dating both of you. Huh? Hey. What? Hey. I'm really sorry, but it's not as bad as it sounds. I mean, you guys didn't even notice. I like you both. Love triangle. I like you both. This is insane. I'm out. गया ब्रेकअप, ज़्यादा हॉट वाला चला गया। अच्छा Paxton, please come back. पता, मैं तो देख चुका हूँ, तो तू ही गेस कर। अच्छा, तो तुझे पता है क्या होता है? थोड़ा बता ना कि ये हॉट वाला मिलता है उसको कि दूसरा वाला। तो दूसरे वाले की इज्जत नहीं है क्या ये हॉट वाला? अरे अब मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना कि वो अच्छा लड़का है बुरा लड़का है कौन क्या पर है। जो हॉट वाला है उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज्यादा है, क्योंकि वही भाग क्या है बाहर, अंदर वाला तो हाँ वो तो खड़ा है। ठीक है ठीक है, मतलब कर लेंगे मैनेज तेरे टाइप का। अबे ये क्या है? ओ मैं भाग रहा हूँ बाहर। हॉट वाला हाथ से निकल जाएगा, वो लोग ना ऐसा टू टाइमिंग टॉलरेट नहीं करेंगे, ये मेरी थियरी है। हमर हाथ बट वो लल्लू वाला फिर भी रुकेगा, क्योंकि उसके मुश्किल से एक लगी हाथ लड़की ऐसा, मतलब तो अभी क्या होगा, ये बस भाग के चला जाएगा, टैक्सी से जाएगा, कैसे जाएगा? अभी चल के जा रहा तो चल के ही जाएगा, बाजू में ही रहता हूँ। I swear I didn't mean to hurt you. Get over yourself, Davey. As if you could hurt me. हिंट था कि कैसे जाएगा, मैंने बोला था वो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ये नहीं ऊपर जाएगा हॉस्पिटल जाएगा कि घर जाएगा, वो तूने क्लैरिफाई नहीं किया। और चल के ही गया वो तो, चल के गया, बाबा गुलाटी मार के गया वो। नेक्स्ट सीन है फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो, जो मैंने देख रखी है। मैंने नहीं देखी, थोड़ी मॉडर्न मूवी है ना, नहीं देखी होगी। हम शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो गई है।
Don't you trust me? Sood ho, kuch bhi kar sakti ho. What is that supposed to mean? You know what I mean. Tum nahi jaanti hamari families ke beech mein kya problem hai. Kya problem hai? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बुआ की शादी होनी थी मेरे चाचा से और शादी से एक दिन पहले भाग गई वो किसी और के साथ। That's because तुम्हारे स्लीजी चाचा का अफेयर चल रहा था उनकी सेक्रेटरी के साथ। Watch your tongue, वो चाची है मेरी और उन्होंने मेरे चाचा को खरीदा नहीं था जैसे तुम्हारे डैड खरीद रहे हैं ना कमल अंकल को तुम्हारे लिए। ओ भाई साहब। Okay, so कपल के बीच में हो रहा तगड़ा झगड़ा और झापड़ा थपड़ा थपड़ी भी हो चुकी है। शायद वो सीन होगा वापस खाई में फेंक देंगे इसको सामने ही ना दिए। कौन किसको खाई में फेंकेगा वो थियरी तो क्लियर। एक्टर एक्ट्रेस को फेंक देगा खाई में, ब्लॉक कर देंगे एक दूसरे को व्हाट्सएप पे और क्या होगा। अबे व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाएंगे और इंस्टाग्राम यूजर लिखा आएगा आई जाके मम्मी को कंप्लेन करेगा मम्मी फाइनल थियरी बताओ। ऐसे कर रहे जैसे एग्जाम दे रहा है यूपीएससी का बोलना। दिल धड़कने दो मूवी है ना तो रणवीर सिंह आके इन दोनों का लड़ाई रोक देगा। अच्छा रणवीर सिंह आके इन दोनों की लड़ाई रोक देगा फाइनल और ये दोनों व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे। चल लड़ाई रोक देगा लेकिन ये लोग ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक तो होगा ठीक है। बंद कर दे क्या नेटफ्लिक्स तुम्हें क्या लगता है मैं ये गेस करूंगा ये क्या ट्विस्ट था भाई ये कैसे आएगा मेरे दिमाग में। थप्पड़ खाने के थप्पड़ का ये जवाब होता है जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मारा था ये हुआ था उन दोनों के बीच बाद में। अरे मैं कहाँ से गेस करता ये एल्विश मैक्सटन के बीच ये हुआ था उनके मारपीट के बाद। ओ भाई नहीं ये नहीं गेस होता मेरे से और अच्छा हुआ नहीं हुआ। अच्छा हुआ भाई वरना बोलते भाई ठरकी है इसको सब पता है। नहीं नहीं अच्छा हुआ ऐसी रेपुटेशन बनने से तो अच्छा रॉन्ग गेस ही ठीक है गाइस। हसीन दिलरुबा नाम की मूवी है नेक्स्ट जो मैंने सुना भी नहीं है भाई ये क्या है। मैंने सुना है बट कभी देखा नहीं। रोटी बना रही है आंटी ओहो भाई रोटी बना दे हेल्प कर दे ये सब टाइम पास मत कर वो ये सोच रही है। ये कौन है ये उसका पति है ये कौन है कोई तो है बॉयफ्रेंड ही होगा ऐसे बाल थोड़ी ऐसे कर देंगे। अरे मंगल सूत्र तो देखो पति होगा काम वाली भाई तो नहीं है। रुक जा यार हमें एक तो कौन भाई अब उसके बाल उठा देगी आगे से ऐसा करने की हिम्मत मत करना। ओह तो ये तो बहुत ऊपर रहता है 2-3 फ्लोर ऊपर रहता है और आंटी के मंगलसूत्र है तो ये उसका पति नहीं है ये कोई रैंडम लड़का है जो छेड़ गया और आंटी ने बोल दिया आगे से ऐसा करने की हिम्मत मत करना तो इसके आगे क्या हो सकता है। अब बिकॉज ऑफ द लास्ट सीन मुझे लग रहा है कि वो भी हो सकता है। वो नहीं होगा यार कम ऑन हट या तो ये बोलेंगे कि जाके रोटी बना तू बना रोटी तू बे तू रोटी बना थियरी क्यों होती है तो रिवेंज कैसे लेगी अब ये सोएगी ये प्रोटीन शेक पिएगी क्या मतलब अब से ये जिम जाया करेगी और ये रोटी बनाएगा। वैसे बाल उसके भी लंबे हैं क्या पता तापसी पन्नू जाके उसके भी बाल ऐसे कान के ऊपर कर दे क्योंकि उसके कान पे आ रहे बाल देखो घटिया अबे उसके बाल लंबे हैं घटिया थ्योरी लगा रहा है। तो तेरे हिसाब से आगे क्या होगा। मेरे हिसाब से वो बोलेगी इधर आ मैं तेरे बाल उठा देती हूँ कान के ऊपर और अब तू जाके रोटी बना। मेरा कैसे कि दिल धड़कने दो वाली चीज नहीं 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 क्या मैं जीत रही हूँ। ये बंद कर यार प्राउड होगी तो खुद से बहुत प्राउड होगी खुद से कि तूने करेक्ट गेस किया। नेटफ्लिक्स को खुद से प्राउड होना चाहिए एक इनोसेंट 9 साल की लड़की का दिमाग उन्होंने करप्ट कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा जब मेरे घर वाले ये वीडियो देखेंगे उसके बाद की क्या मिस्ट्री सॉल्व करनी है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो ये वीडियो तेरी मम्मी को भेजूंगा बोलूंगा आंटी एंड का पार्ट देखना प्लीज एंड का आप देखो स्टार्टिंग का छोड़ दो। तो गाइस गौतमी बहुत एक्सीलेंट है गेसिंग में उसका दिमाग कितना गंदा है आपको पता है। अब ये सारे सीन्स के आगे क्या होता है वो सारे आप मूवीज और शोज देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे
और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। सिर्फ ये लास्ट दो मूवी के सीन की वजह से वो मत देखना, बाकी भी देख लेना शुरू।